नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। जननायक चौधरी देवीलाल के सम्मान समारोह में होने वाली रैली में कुछ गड़बड़ियां जरूर हुई, जिनसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला नाराज नजर आए। उनका गुस्सा देख करके ऐसा लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। उन्होंने उसी समय इन 100 कार्यकर्ताओं को सचेत किया था कि वे इनेलो पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसो को लेकर के आगामी 10 तारीख को होने वाली इनेलो की बैठक में बड़ा बदलाव किया जाएगा। लेकिन हुआ कुछ अलग ही, जिसका अंदाजा न अजय सिंह को था और न ही इनेलो के अन्य कार्यकर्ताओं को। इनसो के लिए वही हुआ जिसका डर था। क्या इनेलो से अजय सिंह चौटाला व उसके बेटों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है? हाँ, इस पर कोई बोलने को तैयार तो नहीं है, मगर आज इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व ओम प्रकाश चौटाला ने पार्टी में संगठनात्मक जो बदलाव किए हैं उनसे तो यही दिखाई देता है कि इनेलो चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, अनुशासनहीनता सहन नहीं करी जाती। क्योंकि आज पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने इनेलो के 100 स्टूडेंट विंग को जहां बंद कर दिया है, वहीं पूर्व सांसद व अपने बड़े बेटे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव पद से भी हटा दिया है। इसी प्रकार पार्टी में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि जहां डॉक्टर अजय सिंह चौटाला राष्ट्रीय महासचिव थे, वहीं उनके छोटे बेटे दिग्विजय सिंह चौटाला इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह चौटाला पिछले कुछ समय से हरियाणा के सभी विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में चुनाव को लेकर के सक्रिय थे तथा उन्हें युवाओं का काफ़ी सहयोग और समर्थन भी मिल रहा था। ऐसे में इंडियन नेशनल लोकदल के स्टूडेंट फेडरेशन को बंद कर देना एक सीधे सीधे अजय सिंह चौटाला व उसके परिवार व उसके बेटों पर, यानी सांसद दुष्यंत चौटाला व दिग्विजय सिंह चौटाला को सीधा संदेश देना है कि अब इनेलो में अनुशासनहीनता सहन नहीं की जाएगी, चाहे उसके लिए परिवार के किसी भी सदस्य की कुर्बानी देनी पड़े। आपको बता दें कि इन शो पर यह आरोप भी है कि पार्टी विरोधी शक्तियों से मिलकर के षड्यंत्र करते हुए उपरोक्त रैली में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की गई और इन शो की साख को बट्टा लगाने का प्रयास किया गया, जिससे युवा इकाई पूरी तरह से अपनी भूमिका निभाने में असफल रही है। दूसरी तरफ यह पाया गया कि इनसो पार्टी विरोधियों की गतिविधियों में संलिप्त है। पार्टी की इन दोनों युवा शाखाओं को अनुशासनहीनता के कारण और पार्टी के आदर्शों के विरुद्ध काम करते हुए पाया गया था। इसी के साथ आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट।